शुभम फर्नीचर मेन रोड गढ़वा, वर्कशॉप चिनिया रोड गढ़वा, दीवान पलंग सोफा सेट आदि के लिए संपर्क करें। प्रखंड अंतर्गत मतगड्डी पंचायत के संगाली गांव में बुधवार को सीआरपीएफ 172 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर मरीजों के बीच निःशुल्क दवा वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कमांडेंट आशीष कुमार झा उपस्थित थे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कमांडेंट ने कहा कि सीआरपीएफ जहां भी रहती है सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम किए जाने का हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण व हमारे बीच दूरी न रहे। हमारा प्रयास रहता है कि हम ग्रामीणों के हर सुख दुख में शामिल हो सके। हम उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा क्षेत्र में खेलकूद से संबंधित सामग्री का वितरण, ग्रामीणों के बीच दैनिक उपयोग के सामग्री का वितरण, कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण आदि के कार्य पूर्व से ही किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि अब सीआरपीएफ सरकार द्वारा चलाई जा रही जनवरी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित पुलिस कैंप के जवानों के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों से आवेदन लेकर संबंधित विभाग को अग्रेतर कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में 239 मरीजों का स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवा दिया गया। मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे डॉक्टर देवाशीष साहा ने बताया कि ज्यादातर मरीज सर्दी, खांसी, बुखार, कमजोरी, चर्मरोग आदि से पीड़ित पाए गए। सभी को जांच के उपरांत दवा उपलब्ध करा दी गई है। इस अवसर पर उपरोक्त लोगों के अलावा द्वितीय कमांड अधिकारी सरोज कुमार, सहायक कमांडेंट किटू, सूबेदार शिव कुमार मीणा, धनंजय तिवारी, श्रवण यादव, राम निवास यादव, कौशल किशोर, गौतम जाना, जसवीर सिंह आदि सहित काफी संख्या में मरीज उपस्थित थे। सीआरपीएफ के द्वारा, जैसा आप लोगों को पता है कि जहाँ भी सीआरपीएफ डिप्लॉय रहती है उन इलाकों में सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित करती है। सिविक एक्शन प्रोग्राम का पर्पस ये होता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो हमें जानें, हमसे जुड़ें, हम उनकी समस्याओं को समझें और जितना तक संभव हो सके हमारे स्तर से, सीआरपीएफ के स्तर से हम उनकी मदद करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाना, स्पोर्ट्स के सामान बांटना, जो घरेलू आवश्यकताओं की चीज़ें बांटना, पानी की टंकियां बांटना, कई एक जगह पर आपके बीज बांटना, पौधे बांटना, उसके बाद ये जो आज आप देख रहे हैं जो यहाँ पे इस कैंप में आयोजित किया गया है, हम यहाँ के लोगों को, बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों को या जो भी यहाँ के ग्रामीण, उनको हम दवाइयाँ बाँट रहे हैं और बड़ी ज़रूरी दवाइयाँ होती है। आप इनमें देखेंगे कई लोग बीमार हैं, कई को दवाइयों की दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं, हमारी पूरी मेडिकल टीम है, पहले इनकी जांच करते हैं और उसके हिसाब से इनको दवाई सजेस्ट करते हैं। ये हमारा चौथा मेडिकल कैंप है। इसके पहले हमने कुली में, मतगड़ी में, बरकोल में भी मेडिकल कैंप आयोजित किया और ये हमारा आज यहाँ पे चौथा मेडिकल कैंप है। इसके अलावा कई और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं हम गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।